फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो अभी तक हमारे चैनल पे 4 वीडियोस आ चुकी हैं और इन चारों वीडियोस में मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको कोई भी ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, वो आपका सेक्सुअली होता है या एसेक्सुअली होता है, तो ये वीडियोस में आपको मैंने ये सब समझाया था। तो पिछले आपका प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको दो चीज़ें आपको छोड़ के रखी थी, दो चीज़ें आपकी बच गई थी। वो दो चीज़ें थी आपकी, एक थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और थी एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके बाद मैंने आपको उसमें कई सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो आज आपका ये आपका लेसन 1 का ये लास्ट चैप्टर है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट लेक्चर आपका ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपका आपका लेसन 1 जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स होते हैं अगर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इससे जुड़ी जो आपकी जो मैंने नोट्स जो बनाया है, इसकी नोट्स जो है मैंने वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक पीडीएफ के रूप में आपको दे सकता हूँ, दे दिया हूँ। आप अगर आप इच्छुक है उसको लेने के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ के रूप में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक पे ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको कुछ चीजें जो थी मैंने आपको पहले से ही बता दी थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी इवेंट्स को देखते हुए उनको दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवेंट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैंने आपको उसी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि प्री मतलब होता है पहले फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी प्रोसेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यहाँ तक तो ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया था। तो अब बात करते हैं इन दोनों टॉपिक्स में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंडर में आते हैं और कौन कौन से हैं जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स जो है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इन टॉपिक में मैंने आपको कई बार देखिए इसमें क्या लिखा है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, एंजियोगैमेट्स या हेटरोगैमेट्स, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, हेटरोथैलिक, मोनोसियस, डायोसियस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर मैंने देखी द जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस, ओविपेरस, क्लियोडिक एग्स, विविपेरस, पार्थिनोजेनेसिस, स्पीडोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी और नियोटेनी। तो यहाँ इतनी सारी हेडिंग्स मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इतनी सारी हेडिंग्स को आज मैंने हम लोग क्लियर करते हैं जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस, देखिए एक बात इस यहाँ देखिए, हमारा तो हमारा कहना ये होता है कि अगर कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, टू टाइप्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो टू पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद आपको हर एक टॉपिक अच्छे से अच्छे समझ में आने लगेगा। तो जैसे देखिए आपका है गैमेटोजेनेसिस, तो काफी लोग देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप वो कंफ्यूज जाते हैं। तो समझने कोई दिक्कत, ज्यादा समझने दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका गैमेट, गैमेट। देखिए एक नाम निकल गया है गैमेट, और दूसरा जो वर्ड आया है जेनेसिस। तो गैमेट तो मतलब आपको पता ही होगा कि गैमेट क्या होते हैं, तो अभी अगर नहीं पता है तो मैं आपको भी बता दे रहा हूं। और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब गैमेट की फॉर्मेशन, इट इज रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। मींस किसी भी गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसको करने से पहले, इसको हम लोग पहले एक तरह से गैमेट्स के बारे में जान जाते हैं, कुछ पॉइंट्स गैमेट्स के बारे में।
गैमेट्स जो होते हैं ये हमेशा सेक्स ऑर्गन से या सेक्स सेल से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज डेवलप्ड बाय द सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स ये आपके गैमेट जो होते हैं, यह दो आपके पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है मेल एक होता है फीमेल। तो जाहिर सी बात है जो ह्यूमन के केस में, जो आपके ह्यूमन के केस में जो मेल सेक्स सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी कौन सी सेल्स होती है बताइए? आपके टेस्टिस होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, आपके एक तरह की आपका सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और टेस्टिस में एक सेल्स पाई जाती है जिसका नाम होता है क्या, गैमेटोजेनिक सेल। कौन सेल होती है, गैमेटोजेनिक सेल या फिर स्पर्मेटोजेनिक सेल। इनको गैमेटोजेनिक सेल कहते हैं या फिर स्पर्मेटोजेनिक सेल कहते हैं। और इन्हीं सेल की हेल्प से क्या होते हैं, आपके गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट्स। तो एक तरह से आप समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हमेशा फिलहाल याद रखना पड़ेगा कि आपके जितने भी गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा एक चीज जरा देखने वाली बात क्या है कि हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या होते हैं। तो देखिए कुछ कुछ समझने वाली बात नहीं, बहुत ही सीधी सी बात है कि हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। देखिए इसमें हैप का मतलब होता है सिंगल, सिंगल या कह सकते हैं हाफ, हाफ का ना ज्यादा बेहतर पड़ेगा। एंड डिप्लॉइड मतलब टू। तो समझ लीजिए कहने का मतलब क्या है कि हम लोग की जितनी सेल्स होती हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं और उसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो हमारे सेल में जो होते हैं कुल मिला के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और 46 आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं आपके, ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं 23 नंबर्स में होते हैं। कितने होते हैं, 23 नंबर्स। तो सीधी सी बात, जिनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाए वो होते हैं डिप्लॉयड, और जिनमें 23 पेयर नहीं, जिसमें 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाए मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाए उन्हें हम बोलते हैं हैप्लॉयड। तो ये तो बात लीजिए बहुत ही इजी सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस के बारे में आपको समझा रहा था, जिसमें गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसमें समझिए कि गैमेट में जो आपके गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा सेक्स सेल से होता है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोजेनिक सेल होती है। ह्यूमन के केस में सबसे मेन बात जो भी मैंने समझाया कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज is haploid. Gametes जो होते हैं वो हमेशा haploid होते हैं, वो कभी भी diploid नहीं हो सकते हैं। अगर वो diploid हुए तो उनको हम gametes नहीं कहेंगे। तो इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि male के केस में ये आपका क्या होते हैं, आपके sperms होते हैं, sperms होते हैं। और फीमेल के केस में ये क्या होते हैं, ओवम होते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं इनका जो इनकी जो बनने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस विच रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स आर कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। एंड इट इज रेफर टू द ओवम, ओवम इज आल्सो फॉर्म्ड इन द ओवरी। And the process which refer to the formation of ovum are called the ovogenesis. तो ये ovum जो होता है ये हमेशा किससे बनता है, ovary से बनता है, ovary से। और ovary में ovum की जो बनने की जो process होती है उसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis। oogenesis कहते हैं। Clear हो गया?
तो आपका जो पहला है गैमेटोजेनेसिस, ये मैंने आपको बता दिया कि गैमेटोजेनेसिस सीधा सा कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सेक्स ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में गैमेट्स की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इट इज रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। तो एक चीज अभी आपको पता होगा कि जो गैमेट्स होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिवाइड किया गया है। जो मेल्स में होते हैं वो मेल और फीमेल, फीमेल मतलब दो फीमेल और फीमेल में बांटे गए हैं। तो अब बात ये होती है कि अब इनमें होता है फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए होता क्या है कि गैमेट्स को एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ेगा। अब भाई मेल जो गैमेट्स होते हैं, फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, ये सब जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनमें आपका जाना जाता है। तो इसमें कहने की, किसमें कहने की बात क्या हुई कि जो गैमेट ट्रांसफर, अभी तो मैंने बताया कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो टर्म्स आते हैं, जो है कि आपका क्या है, गैमेटोजेनेसिस, और एक होता है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस तो मैंने आपको समझा दिया है, अब आपका क्या है गैमेट ट्रांसफर। तो होता क्या है कि जो गैमेट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। वो किस तरह से जाते हैं ये भी आपको समझा देते हैं। अब एक बात जरा हमको समझिएगा, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है कि एक बार हम अपने टॉपिक फिर पर आते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। होता क्या है कि कुछ जो आपके, देखिए मैंने अभी गैमेट्स के बारे में बता दिया कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं स्पर्म्स, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओव। लेकिन कुछ जो लोअर क्लासेस जो आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी और फंजाई होते हैं, तो इनमें होता क्या है कि इनमें कुछ कंडीशंस पाई जाती हैं। इनमें क्या पाई जाती है, कुछ कंडीशंस पाई जाती है, और उन कंडीशंस को हम क्या करते हैं इनमें डिटरमाइन करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके तीन नाम, यहाँ पे देखिए चार नाम मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, बहुत इजी, बस केवल एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा। होता क्या है कि कुछ, देखिए होता क्या, ह्यूमन के केस में समझ लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ह्यूमन के केस में क्या होता है कि आपका जो जो मेल्स में जो आपके गैमेट्स होते हैं, और वो क्या होते हैं आपके स्पर्म्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पर्म्स, ओके। और दूसरा जो होता है वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ओव। तो देखिए एक तरह से मान लीजिए, एक तरह से समझने वाली बात क्या है कि दोनों की, देखिए मॉर्फोलॉजी देखिए, दोनों की मॉर्फोलॉजी मतलब दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, एकदम अलग है। तो स्पर्म्स जो होते हैं यह मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, मोटाइल, मोटाइल, ये मोटा नहीं होता है, इसका मतलब है कि मोटाइल होता है, मोटा नहीं मोटाइल। तो मोटाइल मतलब क्या होता है कि मूवेबल, क्या होते हैं, मूवेबल। तो होता क्या है कि अब इसमें समझिएगा कि कुछ ह्यूमंस के केसेस में क्या होते हैं, ह्यूमंस के केसेस में क्या होते हैं कि जो आपके जो दोनों गैमेट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस होते हैं, इनमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस पाया जाता है। वहीं पर कुछ आपके लोअर जो प्लांट्स होते हैं, जैसे फंजाई या एल्गी होते हैं, उनमें होता है, उनमें कुछ कंडीशंस पाई जाती है, और वही कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आइसोगैमेट्स, क्या लिखा हुआ है, आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, कहने का मतलब क्या, आइसो आपको पता होगा कि आइसो मतलब क्या होते हैं, सिंगलर, और सिंगलर गैमेट्स मतलब कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, और एनआइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स एंड एनआइसोगैमेट्स में अंतर क्या होता है, देखिए जरा समझिएगा कि आइसो मीन्स होता है सिमिलर, मतलब सेम, और एनआइसो मतलब होता है डिसिमिलर, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर, और इसका क्या मतलब, क्या इसका मतलब क्या होता है, डिसिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर एंड डिसिमिलर, तो इसका कहने का मतलब है जिनकी, जिनका गैमेट्स एक दूसरे से देखने में एकदम सिमिलर लगते हो, सिमिलर टाइप से होते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स, और जिनमें सिमिलर नहीं होते जैसे ह्यूमंस, उनमें क्या बोलते हैं, एनआइसोगैमेट्स, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सेक्स, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में
एक यूनि मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए, यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब एक, और बाई मतलब क्या होता है, दो। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में अगर सिंगल केवल एक गैमेट्स अगर पाए जा रहे हैं, एक सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। और वहीं पर अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर दो तरह के अगर आपकी सेक्स ऑर्गन या गैमेट्स पाए जा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। तो ये तो फिलहाल आपने क्लास 9, 10, 11 क्लास में 11 में आपने पढ़ा होगा फिलहाल। तो उसी की तरफ से मैंने आपको यहाँ पे सिंपली लिखते हुए मैंने आपको ये बताया है कि यूनिसेक्सुअल को हम होमोथैलिक और मोनोसियस भी कहते हैं। जरा ध्यान समझिएगा कि यूनिसेक्सुअल को हम होमोथैलिक और मोनोसियस भी कहते हैं, और साथ ही साथ बाइसेक्सुअल को हम हेट्रोथैलिक और डायोसियस भी कहते हैं। तो आपको यहां तक तो मान लीजिए समझने वाली चीजें हो गई हैं फिलहाल। तो अब बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन भाई आप बहुत आसान हो। देखिए पॉलिनेशन जो आपका पॉलिनेशन जो आपका टॉपिक है, ये आपका एक तरह का टॉपिक, अभी तक तो फिलहाल हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस की बात की थी, तो अभी बात ही पॉलिनेशन जो है वो गैमेट ट्रांसफर है। क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है वह फ्लावर में होता है, और फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो होता है एंथर, और मेल गैमेट्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और आपका जो फीमेल गैमेट्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो होता है पिस्टिल, और पिस्टिल में क्या होते हैं आपके जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं ओव्यूल। तो होता क्या है, सिंपली आप ये समझिएगा कि किसी एंथर का, किसी फ्लावर का ये एंथर है, और ये आपका क्या है, स्टिग्मा है किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो इसके अंदर जो आपके एंथर होंगे, इनका निकलकर स्टिग्मा तक जाना, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड द पॉलिनेशन। तो फ्लावर से और प्लांट्स में आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि इसके अगले जो आपका लेशन है उसमें आपको केवल और केवल प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना होगा कि प्लांट्स में किस तरह से गैमेट का ट्रांसफर होता है। तो ये आपका एक मेल गैमेट है, और ये आपका क्या है, आपका यहाँ पर आपको क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। यहाँ पर आपको क्या होते हैं, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना, ये क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है, इसी का अंडर में आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, बहुत इजी है। जैसे कि गैमेट ट्रांसफर के बाद अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट जब ये फॉर्म हो गया तो फिर क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा, वो एक गैमेट मेल गैमेट जो होंगे वो फीमेल। पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन क्या होते हैं कि आपका एंथर का स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्योंकि इसमें भी देखिए मेल जो होते हैं, आप जो आपका पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो आपका एक तरह का मेल गैमेट्स होते हैं, और वहां पर आपका क्या है, आपका ये आपका फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका पॉलिनेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने सीरीज वाइज जरा समझ समझिए कि होता क्या है, कि देखिए पहले तो आपका देखिए क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, पहले तो गैमेट बना, फिर गैमेट ट्रांसफर, फिर गैमेट्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट्स के पास जा रहे हैं, मतलब होता है गैमेट फॉर ट्रांसफर। अब इसके बाद क्या होता है, पॉलिनेशन भी तो फिलहाल क्या एक तरह का गैमेट ट्रांसफर प्रोसेस है। फिर इसके अलावा आपका आता है फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है, जब मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाता है, और वहां एक दूसरे से फ्यूज कर जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने ये समझा दिया था। साथ ही साथ होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो दो तरीके का होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वह दो तरीके का होता है। होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फीमेल बॉडी के अगर अंदर हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर वहीं पे अगर क्या होते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर फीमेल बॉडी के बाहर हुई तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो होता क्या है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केसेस में फिलहाल ह्यूमन बींग्स आते हैं। इसमें आपको ये आपको चैप्टर थर्ड में आपको पूरी डिटेल्स में नॉलेज मिलेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होते हैं, बेबी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, बाकी अलग चीजें होती हैं। तो अब बात करते हैं कि आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है अगर बॉडी के अंदर हुआ, फीमेल बॉडी के अंदर हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर वही फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल या मेल बॉडी के बाहर हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग और फिशेज होते हैं, जितने भी आपके फिशेज और फ्रॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पहले तो जो फीमेल फ्रॉग होता है होती सॉरी जो फीमेल फ्रॉग होती है वो मेल फ्रॉग के नीचे रहता है, और मेल फ्रॉग जो होता है अपने कोपलेटरी पैड से उसके एब्डोमिनल रीजन को प्रेस करता है।
जिससे होता क्या है कि जो फीमेल जो होती है वो अपने ओवम को सीक्रेट कर देती है, और जैसे ही वो सीक्रेट करती है तो जो मेल फ्रॉग होता है वो अपना स्पर्म्स अपने सीमेंस को क्या करता है, उसके फीमेल ओवम्स के ऊपर सीक्रेट कर देता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन हुआ मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो फीमेल बॉडी के बाहर हुआ। तो ये क्या होता है आपका एक एग्जाम्पल आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। आगे देखते हैं द जाइगोट। अब बात करते हैं, देखिए एक सीरीज वाइज चल रहा है, पहले गैमेट बना फिर पहुंचा, पहले गैमेट बना पहुंचा फ्यूज किया। अब फ्यूज करने के बाद होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए बाई मैं आपको एक फिगर से आपको मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि ये आपका स्पर्म्स है और ये आपका ओवम है, दोनों बने। इसका इसके बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवोजेनेसिस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब स्पर्म जब ओवम से मिल जाता है तो होता क्या है कि इस ओवम में इसका जो आपका इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इससे क्या होता है, फ्यूज कर जाता है इसके न्यूक्लियस से। और इनमें होता क्या है, ओवम में डिवीजन शुरू हो जाता है। ओवम में क्या होता है, डिवीजन शुरू होता है, एक से दो हो जाते हैं, दो से चार, चार से आठ। तो ऐसे होते क्या, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेल इसमें क्या होते हैं, बनने लगते हैं। और बनने के बाद पहले होता क्या है कि पहले ये समझ लीजिएगा कि जब होता जब आपका मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से जब फ्यूज करता है तो यह क्या करता है, एक लार्ज बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जो ओव्यूल होता है वह लार्ज होता है, बड़ा हो जाते हैं, उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो बड़ी हो जाती है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जायगोट। इसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस इज बिकम एनलार्ज एंड द न्यूक्लियर सॉरी ओवम इज बिकम एनलार्ज एंड न्यूक्लियस इज आल्सो इज बिकम एनलार्ज। सो दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज द जायगोट। क्लियर। होता क्या है कि अब यही जो जायगोट होता है इसमें माइटोसिस डिवीजन होना शुरू हो जाता है। आपको क्लास 11th में पढ़ा होगा कि माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन क्या होता है। समरी वाइज देख लीजिएगा कि जो सेल में जब डिवीजन होता है और क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक, सेल में डिवीजन होता है, एक से दो सेल बनते हैं, लेकिन उनमें होता क्या है कि उसमें आपका क्रोमोसोम्स नंबर बिल्कुल सेम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं माइटोसिस। आपके पूरे बॉडी में जो आपके डिवीजन होता है, सेल में डिवीजन होता है, वो होता है माइटोसिस। लेकिन जो मियोसिस होता है उसके एक स्पेशल उसमें फीचर्स होती होते हैं कि उसमें जब सेल डिवाइड होते हैं तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हमेशा आधे हो जाते हैं। क्लियर। तो आपका जो गैमेटोजेनेसिस जो होती है उसमें भी गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमेशा मियोसिस लगता है। तो होता क्या है कि आपका जो जायगोट बना, जायगोट जो होता है वो धीरे धीरे उसमें माइटोसिस डिवीजन होने लगता है और इसमें सेल का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर। तो इससे होता क्या है कि आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं इम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो के बनने की जो प्रोसेस होती है मैं वो क्या समझा रहा हूं, इम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट समझ में आया, जायगोट समझ में क्या आया, क्या होता है जायगोट, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में मिलते हैं और जो आपका न्यूक्लियस और ओवम होता है वो इलाज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट। तो उसी प्रकार से जो आपका इम्ब्रियो होता है, जब जायगोट जब थोड़ा डेवलप होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर हो गया। इम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है वो दो तरीके से होते हैं कि देखिए होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है। इम्ब्रियो जो होता है जो फीटस बनने से पहले वो होता क्या है कि वो अगर बॉडी के अंदर रहा या बाहर रहा, उसके केसेस में उनको दो भागों में बांटते हैं, दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला होता है ओवीपेरस और दूसरा होता है विवीपेरस। क्लियर। ओवी मतलब होता है एग्स, एग्स लाइंग एनिमल, मतलब ओवीपेरस। ओवी मतलब होता है एग लाइंग एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या करें, अंडे को देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। और जो बच्चे देते हैं वीवी, मतलब न्यू यंग वंस जो बच्चे को देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विवीपेरस। तो समझिएगा जरा सा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अंडे तो देते हैं लेकिन उनकी एग जो होती है बहुत ही स्प्लैशी होती है, बहुत ही चिपचिपी होती है। तो जैसे कि आपका फ्रॉग हुआ, फिशेस एग्स हुई, ये सब।
और कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड कैल्केलियस सब्सटेंसेस से ढके होते हैं, डिकम्पोजिशन सॉरी कम्पोजिशन हो रहता है, डिपोजिशन हो रहता है। तो उसमें होता क्या है कि ऐसे एक को हम क्या बोलते हैं, क्रियोस क्रियोरिस एक कहते हैं, क्रियोरिक एक कहते हैं। अब बात करते हैं ये आपके जितने टॉपिक्स है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, कि ऐसा फ्रूट जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होता, ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होता। जैसे कि आपने कभी एप्पल को देखा है, एप्पल ए फॉर एप्पल आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। तो एप्पल जो होता है ये होता क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। तो होता क्या है इसमें कि आपका इसमें होता है कि इसमें जो फ्लावर का जो थैलमस होता है, वो थैलमस ही इसके फ्रूट के डेवलपमेंट फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे फ्रूट जिसमें होता क्या है, जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि पाइन एप्पल, यहाँ पे एप्पल आया और पाइन एप्पल, तो ये सब क्या हो गए, ये सब ऐसे फ्रूट्स हो गए। इन्हें हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। क्यों फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए साथी बनती है, इसलिए वो फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और ऐसे फ्रूट जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो अब बात करते हैं पीडोजेनेसिस क्या होता है, पीडोजेनेसिस। तो वो पीडोजेनेसिस को हम एकदम आसानी से समझ सकते हैं, पीडो मतलब क्या होता है, पहले। पीडोजेनेसिस मतलब होता है कि प्री हुड एडल्ट फॉर्म। बहुत इजी है, होता क्या है कि मैंने अभी आपको ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जुनाइल फेज क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि जुनाइल फेज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, सेशन फेज क्या होती है। सेशन फेज मैंने आपको नहीं समझाया था, सेशन फेज क्या होती है, जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने की प्रोसेस क्षमता को खो देता है उसे सेशन फेज कहते हैं। तो होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में ही अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कर सकता है, जुनाइल फेज में वो नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रीमैच्योर रहता है, मतलब मैच्योर नहीं रहता वो। और सेशन फेज में क्या होता है, अपने रिप्रोडक्टिव एज को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज को खो देता है। तो उसी प्रकार से होता क्या है, यह एक तरह की कर सकते हैं बीमारी कर सकते हैं, कोई तरह की यह डिफिशियंसी कार्ड होता है। होता क्या है कि यह आपका होता है एक्सोलोटल लार्वा, जिसको टाइगर सेलेमेंडर कहते हैं, टाइगर सेलेमेंडर। तो होता क्या कि टाइगर सेलेमेंडर क्या होते हैं कि एक आपका एक सेलेमेंडर होते हैं, ये रेप्टिलिया क्लासेस में आते हैं। तो होता क्या है कि इनमें आयोडीन की कमी हो जाती है, इनमें क्या हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आयोडीन की कमी से क्या होते हैं, इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता। मेटामॉर्फोसिस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था स्पर्म के डेवलपमेंट में कि आपके उसमें बॉडी में सडन चेंजेस आ जाना, जैसे होता कि मेढक मेढक जो होते हैं, मेढक जब अंडा जब वो होता है फॉर्म होता है तो वो टेडपोल के फॉर्म होता है, फिर क्या होता है कि आपका फिर टेडपोल जो होता है इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर वो फ्रॉग बन जाता है, इसमें टेल लैग हो जाती है, हिंड लिम्ब जो होते हैं लंबे हो जाते हैं, फोर लिम्ब छोटे हो जाते हैं। तो ये सब चीजें थी। तो ये क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने मैच्योरिटी से पहले ही रिप्रोडक्शन करने की कैपेबल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया। पार्थिनोकार्पी क्या होते हैं कि ऐसे फ्रूट जो कि थैलमस के द्वारा बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मतलब होता है बहुत ढेर सारे और एम्ब्रियोनी मतलब इम्ब्रियो, कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में बहुत ढेर सारे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एक साथ ही बहुत ढेर सारे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। और नियोटेनी जो होता है, नियोटेनी आपके पीडोजेनेसिस का एकदम एग्जैक्ट वही होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक्सोलोटल लार्वा को अगर हम आयोडीन प्रोवाइड कर दें तो उसमें मेटामॉर्फोसिस हो सकता है, और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो एकदम नॉर्मल हो सकता है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे लिखी हुई सारी टॉपिक्स समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही होगी, कहीं भी कोई चीज ना समझ आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। और मैं आपकी क्लास 9, 10, 11 की भी वीडियोस जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपका साथ, फिलहाल मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी बात क्या है कि आपको क्लास 9, 10, 11 की जो वीडियोज हैं
आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री 12th की, आपसे 12th के लिए, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। बाकी जो फिजिक्स एंड मैथ्स की जो वीडियोस हैं वो आप मेरी दूसरी चैनल होंगी, उस पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसमें आप मैथ और फिजिक्स की वीडियोज़ को आप गेट वेट कर पाएंगे। तो फिलहाल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF के रूप में आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप करिएगा। साथ ही साथ इस सैटरडे मैं आपको क्वेश्चंस में आपके इस क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा कि आपकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होती हैं, जो आपके नेट में और आपकी CBSE में द्वारा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ आपको एक आपके क्विज कॉम्पिटिशन भी करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, आज आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सेकेंड चैप्टर को। थैंक यू।